हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है CHR। अब ये CHR कैसे काम करता है आइए देख लेते हैं। एक बार यहाँ पर पाइथन की IDE मैंने ओपन की है, ये देख सकते हैं, और इसी पर हम समझेंगे कि CHR है क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं A इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइक सपोज कीजिए 98 लिख देता हूँ, 98 A इज इक्वल टू 98। और यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो प्रिंट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको पता ही है। यहाँ प्रिंट लिखेंगे PRINT। ध्यान रखिएगा कि प्रिंट का जो P होता है वो हमेशा स्मॉल रहता है, अगर आप गलती करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे CHR लगाऊंगा, सिर्फ CHR, CHAR नहीं, ध्यान रखिएगा CHR ही लगाना है आपको। और यहाँ A लिख देना है इस तरीके से, दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से F5 प्रेस कीजिएगा रन करवाने के लिए। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, BWL बूल डॉट PY लगा देता हूँ। डॉट PY तो पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन ही होती है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ देखिए स्मॉल b प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, कोड ये था और ये स्मॉल b प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, लाइक यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो इसका आंसर भी चेंज होता रहेगा। देखिए यहाँ पर गए और यहाँ देखिए अब स्मॉल d आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 65 लिख देता हूँ, क्या 65 पे भी कुछ ये प्रिंट करेगा? तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 65 आपने ASCII कोड पढ़ा होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो उसी से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल A आने लगा, यानी 65 से स्टार्ट है। अगर मैं यहाँ 66 लिख दूँ तो कैपिटल B आएगा। देखिए 66, तो ये F5 करेंगे और रन करवाएंगे तो ये देखिए कैपिटल B आ रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। और भी चीज़ें इसमें ट्राई कर लीजिएगा, जैसे 66 लिखा 67, 68, या यहाँ पर मैं कह देता हूँ 72 करके दिखा देता हूँ सीधा सीधा F5 किया, तो देखिए यहाँ पे H आ रहा है, कैपिटल H। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है ना, ओके।